मऊ जिला मुख्यालय के कोतवाली थाना अंतर्गत कन्हैया पेट्रोल पंप से 80,000 रुपये की चोरी ड्रॉज में से हो जाने का मामला सामने आया। इस मामले की शिकायत शाम के वक्त की गई है। इस मामले की शिकायत पेट्रोल पंप के संचालक अक्षय जैन के द्वारा एक शिकायती आवेदन देकर के कोतवाली पुलिस में दी गई है। पुलिस ने सभी तथ्यों की जाँच के लिए टीम को गठित किया है, साथ ही CCTV फुटेज सहित अन्य मामलों में एक व्यक्ति को भी जो संदेही है उसको गिरफ्तार भी किया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। इसका एक CCTV फुटेज भी सामने आया है, क्या कुछ हुआ दोपहर के वक्त 2:30 से लेकर 3 बजे के बीच, जिससे 80,000 रुपये की चोरी हो जाने का मामला सामने आया है। आपको दिखाते हैं। ये बात लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच की है। मेरे स्टाफ का मुझे फ़ोन आया कि भैया मेरी दराज में से सिलक कम है और आप आ जाइए पंपर ज़रा। तो फिर मैं फटाफट पंपर आया और मैंने हिसाब मिलाया तो ये पाया कि उसकी हिसाब में करीबन 80,000 रुपये कम है। और फिर उसके बाद मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग चेक करी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि उसके 80,000 रुपये कम हो रहे हैं। तो मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग में ये पाया कि एक लड़का दराज में से पैसे निकाल कर भागा है। और जब पूरी वीडियो की मैंने अच्छे से चेकिंग करी तो ये पाया कि वो लड़का करीबन वो 3 लोग थे और 15 मिनट पहले से उन्होंने पूरी प्लानिंग करी है। एक बार की जगह 2-2 बार पेट्रोल डलाया गया और उसके बाद फिर ये कार्रवाई, मतलब ये जो घटना है उसको अंजाम दिया गया और पैसे निकाल के वो लड़का अपने थैला लेकर आया था संग में, उसकी आड़ में से वो पैसे लेके भाग गया। कितने लोग थे, कितना पैसा? ये 3 लोग थे इसमें करीबन। और मेरा हिसाब मिलाने के बाद मैंने ये पाया कि 80,000 रुपये एक्चुअल में कम हुए हैं, जो कि लड़के ने, क्या होता है जो बड़े नोट होते हैं वो लगभग इकट्ठे करके दराज में रख देते हैं उसमें। तो इसी तरीके से मेरे को ये जानकारी मिली कि उसमें 80,000 रुपये कम हुए। कहाँ की घटना है, क्या नाम है? ये कन्हैया पेट्रोल पंप, अस्पताल के सामने जो पेट्रोल पंप है वहाँ की घटना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय जैन है, पंप के संचालक हैं हम लोग। एक मामला सामने आया है कन्हैया पेट्रोल पंप से, जो एक बाइक पे 3 लड़के आए थे पेट्रोल डलवाने। पेट्रोल डलवाने के बाद एक लड़का वहीं पर खड़ा रहा है और जो 2 फ्यूल पंप हैं उनके बीच का जो क्षेत्र है वहाँ पे ड्रॉज में कुछ पैसे रखे थे, उन पैसों को वो निकालता हुआ दिखा है और फिर वो लड़के 3 निकल गए हैं। उसमें से एक संदिग्ध लड़के को उठाया है और उससे पूछताछ की जा रही है घटना के संबंध में। कितनी रात की है? अभी वो हिसाब 5:30 बजे उनका हिसाब होता है। राशि 80,000 उनके द्वारा बताई गई है, बाकी वो हिसाब किताब लेके आ रहे हैं। क्या मामला रकम लेके आते हैं, उसके बाद 389 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया जाएगा।